एंड द कंसेप्ट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज गिवन बाई एफ डब्ल्यू टेलर एफ डब्ल्यू टेलर इज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन की कल वी डिस्कस्ड अबाउट द एफ डब्ल्यू टेलर वी डिस्कड अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ठीक है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली चार चीजों के ऊपर फोकस करता है सबसे पहले जो फोकस करता है वो करता है साइंटिफिक तकनीक के ऊपर कि हमेशा हमारे पास कोई ना कोई साइंटिफिक तकनीक होनी चाहिए मेथड जो होने चाहिए हमारे साइंटिफिक होने चाहिए स्टैंडर्ड मेथड होने चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकंड जो उसने फोकस किया वो था तो सेकंड जो उसका फोकस था वो था उसका बेसिकली साइंटिफिक सिलेक्शन के ऊपर ठीक है ना कि हमने जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग लोगों की क्या करनी है सिलेक्शन करनी है उसके बाद था साइंटिफिक ट्रेनिंग कि जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी हमारी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी है ताकि वो लोग अपना काम जो है एफिशेंटली परफॉर्म कर सकें उसके बाद जो रखा लास्ट फोकस था वो था टू तो लिंक द वेज विद द आउटपुट कि हमने उनकी वेजेस को उनके आउटपुट के साथ जो है वो लिंक करके उनको वेजेस देनी है ठीक है ना जो जितनी ज्यादा आउटपुट करेगा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जितनी प्रोडक्शन करेगा जितनी एफर्ट करेगा उतनी ज़्यादा उसको सैलरी और वेजेस मिलनी चाहिए तो ये हमने काफी डिस्कस किया था डिटेल में ठीक है ना तो आप एक बार रिव्यू भी दे सकते हो वीडियो आपके पास ही है एक बार देख सकते हो दोबारा नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या जरूरत है बड़े सिंपल से पॉइंट देखिए सबसे पहला पॉइंट ही क्या है इंक्रीज द प्रोडक्शन क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें बताता है कि स्टैंडर्ड मेथड यूज करना जिससे क्या होगी हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगी साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल टेक्निक एंड मेथड ठीक है ना सिंपल से पॉइंट है उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप पूरे सोचो जब हम अच्छी टेक्निक्स यूज करेंगे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे अच्छे मटेरियल यूज करेंगे अच्छे टूल्स यूज करेंगे स्टैंडर्ड टाइप के तो उससे क्या होगी हमारी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी कमी होगी ठीक है तो अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूजिंग द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक एंड द रेशनल प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग करके कॉस्ट कंट्रोल तकनीक से लगाकर हम अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे उसके बाद इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन आपको है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए रॉ मटेरियल अगर रॉ मटेरियल हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा तो अब भी हमारा प्रोडक्शन भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी अगर हमने रॉ मटेरियल घटिया क्वालिटी का परचेज किया तो प्रोडक्शन आप सही क्वालिटी की कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है ना तो इसलिए अगर हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक जो है तकनीक होनी चाहिए अच्छे मटीरियल होने चाहिए स्टैंडर्डाइज टूल होने चाहिए स्टैंडर्ड मैथड होने चाहिए और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इसी चीज़ के ऊपर क्या करता है फोकस करता है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मेक्स द यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड कंडक्ट रिसर्च स्टडीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके रिगार्डिंग वो प्रॉपर रिसर्च करता है इट आल्सो इंस्ट्रक्ट द वर्कर रिगार्डिंग द न्यू मैथड ऑफ वर्किंग सो दैट दे प्रोड्यूस द क्वालिटी गुड्स ठीक है लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में समझाता है ट्रेनिंग देता है साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने पता था ये कंसेप्ट जिसके अकॉर्डिंग लोग जो है वो न्यू मैथड तो को यूज करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या होगा उनकी प्रोडक्शन जो होगी अच्छी क्वालिटी की होगी उसके बाद नेक्स्ट आ गया एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो मशीन हो चाहे वो मनी हो उनको हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है उसके लिए हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत है एफ डब्ल्यू टेलर नोटेड दैट द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉस्ट ऑफ वेस्टरीज एंड रिसोर्सेज रॉ मिटीरियल वर्किंग आवर्स देयर फॉर अ साइंटिफिक मैनेजमेंट अटैम्प टू मेक द एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्स बाई अडोप्टिंग द वेरियस टेक्निक प्रॉपर टेक्नीस लगा के हमने अपनी सभी रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है किसी को वेस्ट नहीं करना सच सच स्टैंडर्डाइजेशन टाइम स्टडी मोशन स्टडी ये सारी टेक्नीस हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में तो उसके बाद मोटिवेशन है देखो सीधी सी बात है जब आदमी को पता है कि मेरे को जो वेजिस मिलेंगी वो मेरे टाइम स्पेंड करने के अकॉर्डिंग मिलेंगी कि अगर मैंने महीने में अगर पच्चीस दिन काम किया है तो मेरे को पच्चीस दिन के हिसाब से पैसे मिलेंगे काम कितना किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे में कोई भी आदमी मोटिवेट नहीं होगा काम अच्छे करने के लिए लेकिन जब उसको पता है कि मेरे को काम जो है मेरे को जो सैलरी मिलेगी मेरे काम के अकॉर्डिंग मिलेगी मतलब जितना अच्छा काम करूंगा जितना ज़्यादा काम करूंगा उतनी ही मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलेगी इससे क्या होगा हर एक आदमी मोटिवेट होगा कि उसने वो अपने अपने लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा ताकि उसको सैलरी ज़्यादा मिल सके तो यह है मोटिवेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स एंड मोटिवेटिंग द वर्कर बाय पेइंग देम हायर वेजेस फॉर द हायर आउटपुट ठीक है ना उसके बाद राइट पर्सन एट द राइट प्लेस कि जिस आदमी की स्पेशलिटी अकाउंटेंसी में है उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिया जाएगा जिसकी स्पेशलिटी टेक्नीशियन जॉब की है उसको प्रोडक्शन का काम दिया जाएगा इन जोन ठीक है ना तो राइट पर्सन एट हैं राइट प्लेस साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव दब्जेक्टिव ऑफ प्लेसिंग द राइट पर्स एट द राइट प्लेस थ्राइन्टिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग और लास्ट आ गया कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जैसे मैंने आपको कल भी बताया था डीर शुड ए मेंटल एवोल्यूशन ठीक है ना वर्कर्स भी और मैनेजमेंट के भी दोनों के जो एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए दोनों का जो एटीट्यूड है एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए उससे क्या होगा दोनों के बीच में कॉपरेशन होगी एक दूसरे की हेल्प के साथ वो काम करेंगे म्यूचुअल हेल्प का जो कंसेप्ट है म्यूचुअल जो ट्रस्ट का जो कंसेप्ट है वो डिवेल्प हुआ तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्ट द आइडिया ऑफ मेंटल एवोल्यूशन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स ठीक है तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग फीचर और ऑब्जेक्टिव ये तीनों ही क्वेश्चन आपको जो है आ सकते हैं ठीक है तो ये आज का टॉपिक है सिंपल सा टॉपिक है सिर्फ एक ही कंसेप्ट मैंने आपको करवाया ठीक है, है ना तो साथ साथ में बस कवर करते रहा करो पाँच दस छः मिनट की वीडियो टी ज़्यादा से ज़्यादा तो इसको कवर कर दिया करो और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ दिया करो